हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOBT यानी गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू में। आज का वीडियो नॉन टीचिंग वैकेंसी से संबंधित है और लाइब्रेरी साइंस सहित विभिन्न पद के बारे में बात करेंगे। यदि आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस चैनल के द्वारा वेबसाइट बनाया गया है। वेबसाइट का नाम है GOBT jobs4u.org। इस वेबसाइट पर जाकर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यह जो वैकेंसी हैं, अच्छा वैकेंसी हैं, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। तो पद की बात करें तो ड्राइवर के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। टोटल 3 पद हैं। सैलरी हैं 21,700 से लेकर 69,100 रुपये। पे लेवल L3 का पद है। एज लिमिट है 35 साल और क्वालिफिकेशन है जो है स्कूल फाइनल, यानी स्कूल लेवल में फाइनल क्वालिफिकेशन यानी इंटरमीडिएट, या इक्विवेलेंट नॉलेज एक्सपीरियंस ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड है और हैवी गाड़ी चलाने संबंधित लाइसेंस होना चाहिए। बाइंडर ए के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। सैलरी सेम है इस पद के लिए भी, एज लिमिट भी सेम है 35 साल, क्वालिफिकेशन भी सेम है यानी स्कूल फाइनल या इक्विवेलेंट, साथ में ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा ट्रेड है, ITI सर्टिफिकेट संबंधित ट्रेड में, और 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। असिस्टेंट लाइब्रेरी ए के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। 1 पद है, सैलरी सेम है, एज लिमिट भी सेम है, क्वालिफिकेशन में 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट होनी चाहिए, साथ में सर्टिफिकेट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। इसके अलावा नॉलेज ऑफ टाइपिंग, कंप्यूटर ऑपरेशंस एंड डेटा एंट्री से रिलेटेड होना चाहिए। एक अच्छी वैकेंसी है, पद कम है, फिर भी सरकारी नौकरी है। अब हम बात करें एप्लीकेशन शुल्क। तो जनरल EWS OBC कैटेगरी में 500 रुपये हैं। SC ST के लिए 250 रुपये एप्लीकेशन शुल्क हैं। फीमेल और PWD कैटेगरी के लिए कोई भी एप्लीकेशन शुल्क नहीं लग रहा है। अब एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है और फिल करने के उपरांत आपको सेंड करना है स्पेश पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट से, और 16/4/2024 तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें जो एड्रेस दी गई है इस एड्रेस पे रिसिप्ट होना चाहिए। यह जो वैकेंसी है यही एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है और सेंड करना है। यह जो वैकेंसी है ISI कोलकाता में आवेदन आमंत्रित है, और यहाँ पे कौन नौकरी करना नहीं चाहता, हर कोई चाहता है कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में नौकरी करें, क्योंकि यहाँ की जो सुविधाएँ हैं ना।